तो देखिए, अगर आप अपने आधार कार्ड से अपने पैन कार्ड को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप अपने आधार नंबर से अपने पैन कार्ड को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। कौन कौन लोग अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप अपने आधार नंबर से अपने पैन कार्ड को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो, तो आपको गूगल में लिखकर सर्च करना है ई फाइलिंग। इस तरह से आप सर्च करेंगे ई फाइलिंग, और इतना लिखने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर देना है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इस वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। अब वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा नीचे आना है। अगर आप अपने आधार नंबर से अपने पैन कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको ये वाला यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा इन स्टैंड ई पेन, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको इस वाली हेडिंग पर क्लिक करना है इन स्टैंड ई पेन। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके सामने जो अगली डिटेल है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन हो जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको करना क्या है, अगर आप अपने पैन कार्ड को बिल्कुल फ्री में आधार नंबर से डाउनलोड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको ये वाला यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा चेक स्टेटस डाउनलोड पैन। तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर कंटिन्यू वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपसे आधार नंबर पूछा जाएगा, तो आपका जो भी आधार नंबर है उसको यहाँ पर आप डाल दीजिए। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड के साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी सेंड कर दिया गया है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एंटर दी ओटीपी, आपका जो भी ओटीपी है उसको यहाँ पर आप डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए जो आपकी पैन कार्ड की डिटेल है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपको पैन कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड ई पैन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर आपको डाउनलोड ई पैन का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए जो पैन कार्ड की पीडीएफ फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी पैन कार्ड की पीडीएफ फाइल यहाँ पर डाउनलोड हो चुकी है। चलिए यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पैन कार्ड है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। इस तरह से दोस्तों आप अपने आधार नंबर से अपने पैन कार्ड को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ से देखिए वही लोग अपने पैन कार्ड को बिल्कुल फ्री में आधार नंबर से डाउनलोड कर सकते हैं जिन लोगों ने इनकम टैक्स की वेबसाइट से अपना पैन कार्ड बनाया है, ठीक है। वो लोग यहाँ से अपने पैन कार्ड को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने इसी वेबसाइट से अपना पैन कार्ड बनाया है, तभी आप अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपने इस वेबसाइट से अपना पैन कार्ड नहीं बनाया है, तो आप बिल्कुल फ्री में अपने पैन कार्ड को यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।